हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सिकरवार एंड यू आर वाचिंग टॉक टू समू। आज हम क्लास ट्वेल्थ स्पेशल इंग्लिश से चैप्टर सेकंड लेके आए हैं, द डायमंड नेकलेस। जैसा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का एक सिलसिला, एक सीरीज शुरू की है मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, तो यहाँ भी द डायमंड नेकलेस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। पहले समरी बताएंगे, इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट बताएंगे और कुछ मीनिंग्स देखेंगे इसकी, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 2020 के लिए, 2020 कल से लग जाएगा और आपके मार्च में एग्ज़ाम पेपर होंगे, और 2020 के लिए कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होंगे इस चैप्टर में से बात उसकी की जाएगी आज। जैसे लिखा है जीडी मॉस पेसेंट ने, जो डायमंड नेकलेस बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छी स्टोरी है। सबसे पहले इसकी समरी के बारे में बात कर लेता हूँ। मैथिल्डा की कहानी है, जो कि अपने जीवन में चाहती थी, बहुत सुंदर थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटीफुल थी, जो कि अपने जीवन में चाहती थी कि उसे बहुत सारी लग्जरीज मिले लाइफ में, लेकिन उसका परिवार दुर्भाग्य से, उसका जो जन्म था दुर्भाग्य से एक ऐसे परिवार में हुआ जो कि एक साधारण क्लर्क के परिवार में, जिसकी वजह से उसकी शादी किसी बड़े घर में नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसका जन्म एक गरीब परिवार में, मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। तो उसकी शादी भी एक क्लर्क से हुई, और जो कि उसे सारी सुख सुविधाएं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। उसका घर एक नॉर्मल सा था, उसके पर्दे, उसकी फर्नीचर, सारी चीज़ें नॉर्मल सी थी। उन चीज़ों को देखकर उसे अक्सर पछतावा हुआ करता था कि काश मैं, मेरा अच्छे पर्दे आलीशान होते, अच्छी दीवारें होती, झूमर लटके होते, तो ये सारी चीज़ें सोचा करती थी वो अपने जीवन में। तो उसे हमेशा हाई क्वालिटी लोगों के बारे में ही, और अमीर लोगों की महिलाएं जैसे रहती हैं वही सोचा करती थी। तो एक बार उसका पति जो था, उसे बहुत मिस्टर लूजल जो था ना, वो बहुत प्यार करता था, उसकी हर इच्छा की पूर्ति करना चाहता था। वो एक साधारण क्लर्क था, लेकिन फिर भी उसके मिनिस्ट्री बॉल में, एक मिनिस्ट्री बॉल थी और मिनिस्टर के यहाँ पर एक पार्टी थी, वहाँ पर बहुत क्लर्क्स को बहुत कम ही इन्विटेशन थे, वहाँ से कैसे भी अरेंज करके इन्विटेशन लेके आया, और उसने अपनी पत्नी को कहा, अपनी वाइफ को, मैथिल्डा को, कि हमें ये इन्विटेशन मिला है, जाकर खुशी होगी तुम अगर चलोगी तो, और तुम घर में बैठी रहती हो और से तुम्हारा मन बहल जाएगा। लेकिन वहाँ उस इनविटेशन कार्ड को पाते हुए वो खुश होने की बजाय उल्टा दुखी हो गई। जब वो रोने लगी तो रोते हुए उसे देखते हुए उसने कहा, लूजल ने, उसके पति ने, कि क्यों रो रही हो? तो उसने कहा कि मैं क्या पहन के जाऊँगी। तब ऐसे व्यवस्था करके उसके लिए उसने कहा कि तुम अच्छा गाउन खरीद सकती हो अपने लिए, और उसने जो अपनी गन के लिए बचे हुए पैसे थे वो दे दिए, गन के लिए जोड़ रहा था, बंदूक खरीदना चाहता था, वो पैसे उसने दे दिए उसके लिए, जितने का गाउन आना था। बाकी आप क्वेश्चन से समझ जाएंगे डिटेल में। फिर भी वो दुखी थी कि मैं क्या पहन के जाऊँगी गर्दन में। तब उसने कहा कि नेकलेस तो बहुत अच्छी खासी रकम का आने वाला था। तब उसने कहा कि तुम अपनी फ्रेंड से ले सकती हो। तो फ्रेंड से लेने के लिए वो उस बात के लिए तैयार हो जाती है, और फ्रेंड से डायमंड नेकलेस को मांग के लाती है। तो वहाँ से ये स्टोरी शुरू होती है, और उस पार्टी में, उस मिनिस्ट्री बॉल में जाके, मिनिस्ट्री बॉल यानी कि मिनिस्ट्री में एक पार्टी थी, उसमें जाकर रात तक वो नाचती है, सभी लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, और वो अपने नशे में खोई हुई है। उसे लग रहा है कि मैं ही सबसे ज़्यादा इस पार्टी में अमीर हूँ, सबसे ज़्यादा मुझे ही लोग पसंद करते हैं। खुद मिनिस्टर ने ही, मिनिस्टर जो थे वहाँ के, उन्होंने भी उसके साथ में डांस करना चाहा था। लेकिन वहाँ पर एक इत्तफाक से हुआ क्या कि वहाँ पर उसका जो नेकलेस था वो खो गया। अब उस नेकलेस से कहानी शुरू होती है। नेकलेस क्योंकि दूसरे से मांगा हुआ था, उसको कीमत चुकाने के लिए उसका पति दिन रात मेहनत करने लगता है,
और वो साधारण घर में रहने लगती है, एक साधारण से घर में किराए पर ले लेती है, खुद ही सब्जी लेने जाने लगती है। सारे नौकर उनके घर से, वो अपने नौकरों को छुट्टी दे देते हैं क्योंकि पैसा उन्हें बचाना था। डायमंड नेकलेस, उन्हें 10 साल लगे उस डायमंड नेकलेस की कीमत चुकाने में। जब वो डायमंड नेकलेस की कीमत चुका के दूसरा डायमंड नेकलेस दिया उसको, जिसकी फ्रेंड से मांगा था, एक दिन बिल्कुल मुरझाई हुई हो जाती है। लास्ट में 10 साल की मेहनत के बाद में मैथिल्डा, तो उसे वो फ्रेंड मिलती है जिससे उसे डायमंड नेकलेस लिया हुआ था, उसे देख कर कहते हैं, अरे मैथिल्डा तुम्हारा क्या हाल हुआ है, तो ये तुम हो। वो पहचान नहीं पाती है शुरू में, तब कहती है हाँ, कि ऐसा कैसे हुआ। तब वो बताने लगती है कि ऐसा इस वजह से हुआ कि तुम्हारे डायमंड नेकलेस, क्योंकि अब उसने चुका दिया था, उसे कोई डर नहीं था, उसने कहा कि तुमसे मैंने जो नेकलेस लिया था वो चोरी हो गया था, वो खो गया था मुझसे, इस वजह से मैंने उसी ही वैसी ही कीमत का सेम टू सेम नेकलेस खरीद कर आपको दिया, जो हमें $40,000 का £36,000 का मिला और उसकी कीमत चुकाने में। तब वहाँ से उसे पता पड़ता है फ्रेंड से कि वो जो डायमंड नेकलेस था एक्चुअल में वो एक आर्टिफिशियल नेकलेस था, उसके लिए उन्होंने 10 साल वैसे ही मेहनत की। तो ये थी इसकी समरी, ये मैंने जहाँ तक मुझे एक्सप्लेन करना था आपको किया। डिफ़िकल्ट वर्ड की तरफ आगे बढ़े तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर प्लेनली साधारण रूप से एक्सपेक्टेशन उम्मीद है, डिस्टिंग्ड विशिष्ट प्रसिद्ध, और इंजेन्यूटी कौशल इंस्टिंक्ट मूलव्रति सप्पल लचीला हिरेची पुरोहित तंत्र सीजेसली निरंतर ड्वेलिंग रहने की जगह को ड्वेलिंग कहा जाता है कॉन्सियस चौकन्ना टॉर्चर पीड़ा पहुंचाई और डिस्पेयरिंग आशाहीनता बिविल्डरिंग हैरान चकित और ककवेटिश प्रेम लाप का स्वांग नाटक करना और टेरिन गहरी कटोरी को बोला जाता है डेंटी अंधेरा युक्त और डेस्पेसी डेस्पेस्ट्री मीन्स विचित्र वस्त्र और इसी तरह से अराउज्ड उत्पन्न करते थे और पर्सनेजेज मर्यादित व्यक्ति विश्वर्ड धीमी आवाज में कहना डिस्पेयरिंग उदास करने वाले डिलाइटेड बहुत खुश इरिटेड क्रुद्ध भाव से ग्लैंस एक दृष्टि को बोलते हैं स्लैमर्ड मुश्किल से कहना कंक्वेड अधीन करना इसी तरह से आगे लिखा है हेजिस्टिंगली हिचकना हिचकचाना ऑप्रेसिव सताने वाली कन्विंस्ड मान जाना और अटर्ड हैरानी से कहना एडमिरेबल प्रशंसनीय ट्रिम्बल्ड कांपा एस्टेसी विभोरता को कहते हैं इसी तरह ऑन एंजाइज जानने को उत्सुक पेशेंटली प्यार से और रॉन्चर तन्मयता से इंटॉक्सिकेटेड मंदो मत का मतलब हो गया नशे में दुत हो हुए उसे कहते हैं और ये दिया ट्रियम्फ मतलब विजय प्राप्त करना क्रॉशली टूटे दिल से नाराजगी से और रैप सुरक्षा के लिए लपेटना डिस्पेयर विनाश आशा के बिना आशा के मतलब निराशा सहित स्टैमर्ड हकलाते हुए शिवरिंग कांपते हुए और डिस्ट्रेस परेशानी से कंक्वेड नियंत्रित किया रेज्यूम्ड द्वारा आरंभ करना रिफ्लेक्टेड सोचना वेस्टिब्यूलूट अंदर जाने का रास्ता थंडरस्ट्रक चकित आश्चर्यचकित होने के लिए बोलते हैं। ये पेज बाय पेज आपके ये मीनिंग्स दिए हैं आप देख सकते हैं, समय बर्बाद होगा, मीनिंग्स को आप ऐसे ही देख सकते हैं, आप उसको जूम करके और पॉज करके मीनिंग्स को पढ़ सकते हैं, हिंदी में लिखा है, इसको रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब एक्सट्रैक्ट इसमें क्योंकि 4 एक्सट्रैक्ट इसमें दिए हुए हैं और 4 में अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो इन 4 में इम्पोर्टेंट को बता देता हूँ। पहला एक्सट्रैक्ट जो है शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी से स्टार्ट हो रहा है और फिनिशिंग हो रही ग्रेटेड लेडीज पर और सेकंड जो है द नाइट ऑफ वॉल अराइव्ड और इसकी फिनिशिंग हो रही है एंजॉइंग द वॉल
और थर्ड है ही डिड बोरो, और फिनिशिंग हो रही है थाउजेंड फ्रेंसेज, और उसके बाद मैडम लूजर लुक्ड ओल्ड नाउ, और इसकी फिनिशिंग हो रही है सो मच एडमायर्ड। अगर हम इसके इम्पोर्टेंट की बात करें तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट की तरफ। तो स्टार्टिंग के जो हैं टू एक्सट्रैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट इसमें बोले जाएंगे। अगर हम इसके इम्पोर्टेंट की बात करें तो एक स्टार्टिंग के, जैसे कि हम इसका पहला एक्सट्रैक्ट है, ये इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट इसका होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, एक इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट होगा। तो इसको मैं बता देता हूँ, पहला क्वेश्चन सीधे क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ देते हैं विदाउट डिले, और क्या कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, व्हाट वॉज द फेट ऑफ द गर्ल, लड़की का भाग्य क्या था। तो इसका आंसर देख लेते हैं यहाँ आगे की तरफ, द गर्ल वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रेसफुल एंड प्रिटी, बहुत आकर्षक थी, बहुत सुंदर थी, बट फॉर हैविंग बॉर्न इन द मिडिल क्लास फैमिली, क्योंकि उसका मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म हुआ था, एंड हैविंग नो डाउरी, कोई दहेज नहीं था उसके पास, शी हैड टू मैरी एन ऑर्डिनरी क्लर्क, तो उसे एक सामान्य व्यक्ति से, सामान्य क्लर्क से शादी करनी ही थी। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द अपोजिट ऑफ प्रिटी, प्रिटी आकर्षक होता है, उसका अपोजिट बताना है, तो प्रिटी का अपोजिट हो जाएगा अगली, भद्दा, क्रूप। और अगला क्वेश्चन है, गिव नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिस्टिंक्स्ड, डिस्टिंक्ट मतलब विशेष, पहचान वाला व्यक्ति, तो नाउन हो जाएगा डिस्टिंक्स्ड का डिस्टिंक्शन। और अगला है, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सेम एज एलिगेंट, एलिगेंट मतलब आकर्षक, ग्रेसफुल को बोला जाता है, तो इसके लिए भी ग्रेसफुल हो जाएगा वर्ड, सिमिलर वर्ड अगर कहा जाए। और इसी तरह से इसके सेकंड की तरफ आगे बढ़े, सेकंड एक्सट्रैक्ट भी इसका इम्पोर्टेंट है, दो एक्सट्रैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और तो दूसरा एक्सट्रैक्ट है, इसके भी क्वेश्चन आंसर को हम देख लेते हैं, इन द नाइट ऑफ द बॉल अराइव्ड से स्टार्ट हो रहा है, पार्टी का दिन आ गया वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हुज वाइव्स वर एंजॉयिंग द बॉल, और पत्नियाँ पार्टी को एंजॉय कर रही थी, यहाँ पे फिनिशिंग हो रही है, हाउ डिड द मैथिल डू इन द नाइट ऑफ द बॉल, पार्टी की रात मैथिल ने किस तरह से इंजॉय किया। आंसर है, मैथिल डिड वेरी वेल एंड वॉज अ ग्रेट सक्सेस एट द बॉल, वो बहुत उचित रही और बहुत सफल रही पार्टी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, गिव नाउन फॉर्म ऑफ द ऑफ इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस्ड का नाउन पूछा है, तो इंट्रोड्यूस्ड का नाउन फॉर्म हो जाएगा इंट्रोडक्शन। गिव वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच हैज द सेम मीनिंग एज ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट का सेम मीनिंग बताना है, ट्रिब्यूट का सेम मीनिंग होमेज हो जाएगा। इसी तरह से फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अपोजिट टू डिफीट, डिफीट का अपोजिट बताना है, डिफीट मतलब हार होती है, ट्रियम्फ मतलब जीत होती है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, मैंने बताया दो ऊपर के एक्सट्रैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन, ये जो आपके ये वन वर्ड क्वेश्चन हैं, इनको आप पूरे याद कर सकते हैं, इनमें इंपॉर्टेंट बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, इनको केवल पढ़कर देखना है क्या क्या इंसिडेंट है पूछा गया। हु वॉज मैथिल मैरिड टू, मैथिल की शादी किससे हुई, मैथिल वॉज मैरिड टू लूजल अ क्लर्क, लूजल से एक क्लर्क से शादी हुई। वेयर वॉज मैथिल हस्बैंड एम्प्लॉयड, कहाँ एम्प्लॉयड था, कहाँ नौकरी थी उसकी, तो मैथिल हस्बैंड वॉज एम्प्लॉयड इन अ मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में एम्प्लॉयड था वो। वाई डिड मैथिल वेयर प्लेन ड्रेसेज, मैथिल सादा कपड़े क्यों पहना करती थी, मैथिल वॉर प्लेन ड्रेसेज बिकॉज शी कुडंट अफोर्ड कॉस्टली वन, वो प्लेन कपड़े पहना करती थी क्योंकि वो महंगे कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकती थी, ले नहीं सकती थी। व्हाट वॉज देयर इन द एनवलप मैथिल हस्बैंड गेव हर, मैथिल के पति ने जो उसे लिफाफा दिया उसमें क्या था, तो जैसा कि अभी भी मैंने समरी में बताया था, जो लिफाफा दिया उसमें इन्विटेशन कार्ड था, देयर वॉज एन इन्विटेशन कार्ड टू पार्टी इन द एनवलप, एनवलप में लिफाफा था का एक इन्विटेशन कार्ड था। हाउ मच मनी डिड मैथिल आस्क फॉर फ्रॉम हर हस्बैंड टू बाई अ गाउन, एक गाउन खरीदने के लिए कितना पैसा वो मांगती है,
तो मैथिल आस्क फॉर 400 फैंसेस फ्रॉम हर हस्बैंड टू बाई अ गाउन। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट बातें हैं उसकी, तो ये आपको याद ही होनी चाहिए कि कितने पैसे मांगती है। तो 400 पाउंड्स मांगती है, फ्रेंसेस मांगती है, उसके पति का नाम क्या था तो ये बताना है, और कहाँ पर वो काम करता था ये बताना है, क्यों वो महंगे कपड़े नहीं पहन पाती थी ये बताना है। तो बड़ी आसानी से आपको इंसिडेंट्स याद रहेंगे, तो बड़े लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनाने में भी आसानी होगी आपको। When did the couple go to the minister ball? कब जाते हैं वो minister ball में? तो वो night के समय में जाते हैं। The couple went to the minister ball at night, रात में जाते हैं। How much did the necklace at Palace Royal cost? Palace Royal एक जगह का नाम है, वहाँ पर एक necklace लटका हुआ था, एक दुकान थी, उसकी कीमत क्या थी? The necklace at Palace Royal costed 40,000 francs. उसकी कीमत थी 40,000 francs. Francs फ्रांस की मुद्रा होती है। How did Madam Forrester react when Mathil returned the necklace? जिस मैडम से, जिस फ्रेंड से उसने नेकलेस लिया था उसका नाम था मैडम फॉरेस्टर। क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डिड मैडम फॉरेस्टर रिएक्ट व्हेन मैथिल रिटर्न द नेकलेस? तो मैथिल ने नेकलेस को वापस किया तो उसने कैसे रिएक्ट किया? व्हेन मैथिल रिटर्न द नेकलेस मैडम फॉरेस्टर रिएक्टेड दैट शी शुड हैव रिटर्न इट सूनर। तो उसने प्रतिक्रिया ये दी कि उसे ये जल्दी वापस कर देना चाहिए था। शी यानी कि फॉरेस्टर माइट हैव नीडेड इट, उसे पहले जरूरत पड़ सकती थी। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक मैथिल एंड लूजल टू रिपे द कॉस्ट ऑफ द नेकलेस? नेकलेस की कीमत चुकाने में कितना समय लगा उसे, इन दोनों लोगों को, मैथिल को और उसके पति को? तो इट टुक 10 years फॉर मैथिल एंड लूजल टू रिपे द कॉस्ट ऑफ नेकलेस, नेकलेस की कीमत चुकाने में उन दोनों को 10 साल लगे। वट वॉज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द नेकलेस? नेकलेस का वास्तविक मूल्य क्या था? द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द नेकलेस वॉज ओनली 500 फ्रेंसेज। असली कीमत, क्योंकि वो आर्टिफिशियल था, उसका कॉस्ट था 500 फ्रेंसेज। अब 50 to 60 वर्ड्स क्वेश्चन आ रहे हैं, इनमें मैं इंपॉर्टेंट बताने की कोशिश करूँगा आपको। तो देखिए क्वेश्चन, वॉज मैथिल डिससेटिस्फाइड विद हर लाइफ, वट मेक्स यू थिंक सो? तो ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, आप इसे लगा सकते हैं निशान इस पर। क्या मैथिल अपनी लाइफ से डिससेटिस्फाइड थी? अगर आपको ऐसा लगता है तो क्यों लगता है, क्वेश्चन ही है, आंसर है। मैथिल बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिटी एंड चार्मिंग गर्ल, बहुत सुंदर थी और आकर्षक थी। शी हैड हैड नो डाउरी टू पे, शी वॉज डेस्टिनेड टू मैरी एन ऑर्डिनरी क्लर्क। उसके पास दहेज नहीं था इसलिए उसे एक सामान्य क्लर्क से शादी करनी पड़ी। शी हैड लॉस्ट हर होप्स एंड एस्पिरेशन, उसने सारी उम्मीदें और सारी सपने उसे गंवाने पड़े। शी हैड नो मीन्स टू फुलफिल हर डिजायर्स, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं थे। शी हैड नो गुड ड्रेसेस, अच्छे कपड़े नहीं थे। एंड देर वॉज नो वन टू प्रेज हर ब्यूटी, उसकी सुंदरता की तारीफ करने के लिए कोई नहीं था। शी वॉज डिवॉइड ऑफ ऑल ईज एंड लग्जरीज, उसे सारी सुख सुविधाएँ त्यागनी पड़ी। सो शी वॉज कम्प्लीटली डिससेटिस्फाइड विद हर लाइफ, इसलिए वो अपने जीवन से असंतुष्ट थी। अब ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको कहा जा सकता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, कि व्हाट थिंग्स डिड मैथिल रिसेंट इन हर लाइफ, अपने जीवन में मैथिल किन चीज़ों को के लिए पछताती है, किन चीज़ों को मिस करती है? तो आंसर है इसका, मैथिल हैड नो गुड एंड कॉस्टली ड्रेसेस, शी हैड पुअर ड्वेलिंग्स, कोई महंगी और अच्छी ड्रेसें नहीं थी उनके पास, और साधारण रहन सहन था उसका। शी सफर्ड सीजलेसली फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न टू इन्जॉय ऑल डिलीशियस एंड लग्जरीज, वो बहुत पीड़ित रहा करती थी, सोचती थी कि मुझे मेरा जन्म एक सारी सुख सुविधाओं के लिए हुआ है, होना चाहिए था। बट अनलकी शी वॉज डेस्टिन टू लिव इन अ रेस्ट हाउस विद बैरन वॉल्स, लेकिन दुर्भाग्य से उसे टूटे फूटे खराब से घर में रहना पड़ा। शी हैड शेबी चेयर्स, खराब सी उसके पास कुर्सियाँ थी, एंड अगली कर्टेंस और भद्दे से पर्दे थे। शी हैड नो रैंक एंड प्रोफाइल इन सोसाइटी, समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं थी, कोई रैंक नहीं थी। ऑल दोज थिंग्स ऑफ विच अनदर वुमन ऑफ हर रैंक वुड हैव नेवर एवर इवन हैव बीन कंसर्स टॉर्चर हर
एंड मेड हर एंग्री। इस तरह की उसके तरह की महिलाओं के जो सुंदर हैं इतनी उनको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला, इस बात से वो बहुत दुखी हुआ करती थी और क्रोधित रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन रिसीविंग द इन्विटेशन ऑफ बॉल, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। डिस्क्राइब मेथड फीलिंग वाइल शी वॉज शिफ्टिंग थ्रू, इसको भी इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा, ये भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं, हाउ डिड मेथल फेयर एट बॉल, एक खास क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी संभावना है इस साल के लिए, तो इस पर भी निशान लगा देते हैं और इसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, हाउ डिड मेथल फेयर एट बॉल, जो बॉल यानी कि पार्टी, रात की पार्टी है उसको कहते हैं बॉल, तो बॉल में मेथल किस तरह से उचित थी। एट द पार्टी मैथिल लूजल वॉज ग्रेट सक्सेस, बड़ी सफलता में थी पार्टी में। शी वॉज प्रिटियर देन एनी अदर वीमन प्रेजेंट, जो भी महिलाएं वहां उपस्थित थी उन सबसे सुंदर थी वो। शी वॉज एलिगेंट ग्रेसफुल स्माइलिंग एंड फिल्ड विद जॉय, बहुत खुश थी, आकर्षक थी, मुस्कुरा रही थी और खुशी से भरी हुई थी। एवरीवन वॉज अटैच्ड टू हर एंड विश्ड टू फैमिलियर विद हर, हर कोई उससे प्रभावित था और उससे दोस्ताना व्यवहार करना चाहता था, उससे दोस्ती करना चाहता था। द अटैचेज ऑफ द कैबिनेट विश्ड टू डांस विद हर, कैबिनेट का अटैचेज था वो भी उससे साथ डांस करना चाहता था। इवन द मिनिस्टर हिमसेल्फ वॉज अट्रैक्टेड टू हर, मिनिस्टर स्वयं भी उससे प्रभावित था। शी फेयर वेल मोर देन शी हैड थॉट फॉर, जितना उसने सोचा था उससे भी वो वहाँ पर ठीक उचित लग रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, व्हाई डिड मैथिल नॉट टेक अ कैब, ये भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। व्हाट एफर्ट डिड लूजल मेक टू फाइंड द नेकलेस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं। क्या पूछा है समझ लेते हैं पहले कि क्या प्रयास करता है, व्हाट एफर्ट डिड लूजल मेक टू फाइंड द नेकलेस, नेकलेस को पाने के लिए लूजल क्या प्रयास करता है। तो जब नेकलेस खो गया था तो इट वॉज रियली वेरी शॉकिंग फॉर देम टू लॉस द नेकलेस, नेकलेस खोना उनके लिए वास्तव में एक आघात के समान था। दे वर नर्वस, दे लुक्ड अमोंग द फोल्ड्स ऑफ द मेथल स्कर्ट, स्कर्ट मेथल की जो स्कर्ट थी उसके फोल्ड में देखा, उसकी घड़ी हुई थी उसमें देखा उसको, और फर क्लॉक उसकी घड़ी में देखा, वॉच में, इन हर पॉकेट उसकी जेबों में देखा, इन एवरी वेयर बट ऑल इन वेन, सब जगह देखा लेकिन सब व्यर्थ गया। द नेकलेस वॉज फाउंड नो वेयर, नेकलेस कहीं नहीं मिला। लूजल मेड ऑल हिज एफर्ट्स, लूजल ने सारे प्रयास किए। ही फॉलोड द कैब, जिस कैब में बैठ के आए थे उसको भी पीछे गया, उसको ढूंढा। ही वेंट अराउंड द मिनिस्टर्स हाउस, मिनिस्टर के घर के आसपास घूमा। ही वेंट टू द पुलिस हेड क्वार्टर, पुलिस हेड क्वार्टर गया। टू न्यूज़ पेपर ऑफिस टू ऑफर अ रिवॉर्ड, इनाम घोषित किया, न्यूज़ पेपर ऑफिस में जाकर न्यूज़ छपवाई। ही डिड ऑल बट कुड नॉट फाइंड द नेकलेस, उसने सब कुछ किया लेकिन नेकलेस उसे नहीं मिला। हाउ डिड लूजल अरेंज द मनी फॉर द नेकलेस, तो इस क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसकी तरफ इसमें भी निशान लगा लेते हैं। हाउ डिड लूजल अरेंज द मनी फॉर द नेकलेस, तो किस तरह से वो पैसे को अरेंज करता है नेकलेस के लिए। द कपल हैड टू फेस ग्रेट ट्रबल आफ्टर द डायमंड नेकलेस वॉज लॉस्ट, जो एक उस कपल को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ी जब नेकलेस खो जाता है। द फाउंड सिमिलर वन इन द ज्वेलरी शॉप, एक ज्वेलरी शॉप में उन्हें एक ऐसा ही नेकलेस मिल जाता है। इट कॉस्ट वॉज 40,000 फ्रेंसेज विच वॉज रियली अ ह्यूज अमाउंट फॉर देम, इसकी कीमत 40,000 फ्रेंसेज थी, जिसकी जो उनके लिए वास्तव में बहुत बड़ी रकम थी। दे बार्गेन इट फॉर 36,000 फ्रेंसेज, उन्होंने इसकी मोल भाव करके 36,000 तक करवा ली थी। लूजल हैड 18,000 फ्रेंसेज हिज फादर हैड लेफ्ट फॉर हिम, उसके पिताजी ने उसके लिए लूजल के लिए संपत्ति छोड़ रखी थी, तो 18,000 फ्रेंसेज उसके पास ऑलरेडी रखे थे। ही हैड टू बोरो 1,000 फ्रेंसेज वन 500 ऑफ अनदर, उसे किसी से 1,000 लेने उधार लेना पड़ा, 500 किसी से लेना पड़ा। 5 लूज हियर 3 लूज हियर, एक एक सिक्का इकट्ठा किया इधर से कहीं उधर से। ही गेव नोट्स टू द रियूनियस ऑब्लिगेशन डील्ड विद यूज अशर्स एंड ऑल द रेस्ट ऑफ द लेंडर, जितने भी उधार देने वाले थे सबको नोट्स लिखे उसने।
इन दिस वे ही कुड मैनेज द कॉस्ट ऑफ द नेकलेस, इस तरह से उसकी कॉस्ट जो नेकलेस की तो उसने मैनेज कर पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मेथल एंड लूजल रीपे द कॉस्ट ऑफ द नेकलेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसको इसके आंसर में भी हम पीछे वाले क्वेश्चन को ले सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है किस तरह से लूजल और मेथल दोनों ने उसकी कीमत इकट्ठी की, तो ये पूरी बातें उसी में से लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट चेंज डिड द ऑर्डिल ऑफ रीपेइंग ब्रिंग अबाउट द मेथड। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है और इस क्वेश्चन को आपको देखना होगा। इसमें पूछा गया है कि व्हाट चेंज डिड ऑर्डिल ऑफ रीपेइंग ब्रिंग अबाउट द मेथड, मेथड के जीवन में मेथड में क्या परिवर्तन लेके आया नेकलेस की जो कीमत थी उसकी कीमत चुकाने में, उस नेकलेस उसके उससे मेथल के जीवन में क्या परिवर्तन आया। द लॉस ऑफ द नेकलेस वॉज हैवी टॉल टू द लाइफ ऑफ लूजल, लूजल्स की ज़िंदगी के लिए डायमंड नेकलेस का खोना बहुत ज़्यादा खतरनाक था। मेथल एंड लूजल ओवर स्टेंड देमसेल, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा उन दोनों को इसके लिए। एज अ रिजल्ट दे ग्रू ओल्ड प्री मैच्योरली, परिणाम ये निकला कि उन्हें समय से पहले वो बूढ़े हो गए। स्पेशली मेथल हैड बिकम द वूमन ऑफ इम्प्रोविस्ड हाउसहोल्ड्स, विशेषकर मेथल जो थी वो एक घरेलू कामों में बंधकर रहने वाली महिला बनकर रह गई। शी लुक्ड स्ट्रॉन्ग एंड रफ विद फॉसी हेयर स्कर्ट्स एसके एंड रेड हैंड्स, उसके लाल हाथ थे पड़ गए थे, वो ख़राब से बाल हो गए थे और स्कर्ट्स भी पुरानी धुरानी पहनने लगी वो। शी टॉक्ड लाउड वॉशिंग ऑन हर फ्लोर, इस तरह से गरीब लोग चिल्लाने लगते हैं तो फर्श साफ करते हुए वो चिल्ला जोर जोर से चिल्लाने लगी। विद ग्रेट स्विशेज ऑफ वाटर, पानी भर के लाने लगी। शी लॉस्ट ऑल हर ब्यूटी एंड चार्म इन ड्यू कोर्स, इस दौरान उसने सारी इसकी सुंदरता खो चुकी थी, सारी उसकी आकर्षण था वो सब खो गया था। अब देखिए 75 वर्ड्स के लिए क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए। तो पहला क्वेश्चन दिया है, हाउ वुड यू रेट मेथल एज अ एम्बिशियस वूमन और एन ऑनेस्ट वूमन, जस्टिफाई योर आंसर। कैसे आप रेट करना चाहेंगे मेथल को, एक एम्बिशियस एक महत्वाकांक्षी महिला के रूप में और एज एन ऑनेस्ट वूमन या फिर एक ईमानदार महिला के रूप में, आप अपने उत्तर को जस्टिफाई कीजिए। तो आप इसे बना सकते हैं और ऐसा कोई इम्पोर्टेंट खास क्वेश्चन है नहीं ये, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ। अब हम इसको अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं और सारी बातें आप पूरी लिख सकते हैं, कितने का नेकलेस ख़रीदा और पूरी बातें पिछले क्वेश्चन को लिख सकते हैं अगर ये आ भी जाए तो, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इम्पोर्टेंट नहीं है इस साल के लिए। तो हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, व्हाट काइंड ऑफ हस्बैंड वॉज लूजर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके आने की संभावना भी है कि लूजल किस तरह का हस्बैंड था, किस तरह का हस्बैंड था। लूजल इज अ केयरिंग एंड लविंग हस्बैंड, तो लूजल जो है एक परवाह करने वाला और प्यार करने वाला पति है। ही इज अ सिंपल मैन, एक साधारण व्यक्ति है। ही इज नॉट ओवर एम्बिशियस बहुत लाइक मेथल, मेथल की तरह वो ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं है। ही वुड वेरी हैप्पीली रेलिश पॉट पाई वाइल शी वुड थिंक ऑफ रिच लाइफ, जब वो उसके लिए ज़िंदगी के लिए उसकी पत्नी अमीर ज़िंदगी के लिए जीना चाहती है तो उसके लिए सब कुछ समर्पित करना चाहता है। वन मैथिल रेफ्यूज टू गो टू द पार्टी, जब मैथिल पार्टी में जाने के लिए इनकार कर देती है। ही ट्राइज हिज बेस्ट टू मेक हर एग्री, तो उसे सहमत करने के लिए तैयार करने के लिए वो अपना पूरा प्रयास करता है। ही गिव्स हर 4000 फ्रेंसेस टू बाई अ प्रिटी गाउन, वो उसे 400 फ्रेंसेस, वो उसे 400 फ्रेंसेस दे देता है एक आकर्षक गाउन खरीदने के लिए। दिस अमाउंट ही हैड बीन सेविंग टू परचेज अ गन, जिस अमाउंट को वो एक बंदूक खरीदने के लिए, खुद के लिए बंदूक खरीदने के लिए सेव कर रहा था, इकट्ठा कर रहा था। ऑन द डे ऑफ द बॉल, पार्टी के दिन मेथल अगेन ग्रम्बल्स दैट द शी हैड नो ऑर्नामेंट टू वेयर फॉर द ओकेशन, पार्टी के दिन मेथल फिर गुस्सा हो जाती है, दुखी हो जाती है, कहने लगती है कि उसके पास ओकेशन पर पार्टी के दिन पहनने के लिए कोई ऑर्नामेंट नहीं है, कोई गहना नहीं है। देन ही सजेस्ट हर दैट शी कुड बोरो इट फ्रॉम
हर रिच फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर, तो वो उसे सलाह देता है कि वो उसे अपनी फ्रेंड से खरीद ले सकती है उसे उधार मैडम फॉरेस्टर से। इन द पार्टी वेर इज मैथल डांस्ड अप टिल 4 o'clock इन द मॉर्निंग। पार्टी में मैथल ने 4 बजे तक सुबह डांस किया। लूजल वॉज हाफ एस्लीप इन स्मॉल रूम सिंस मिडनाइट। उसके इंतजार में लूजल आधा सोया हुआ था आधी रात तक। When he comes to know about the lost necklace, जब उसे पता चला खोए हुए नेकलेस के बारे में, he does not rebuke his wife, तब वो अपनी पत्नी को डांटता नहीं है, उस पर गुस्सा नहीं होता। Rather to pay off the debt of 18,000 francs, बजाय उसके लिए 18,000 फ्रेंसेज चुकाता है। He overworked for 10 years, वो 10 साल तक ज़्यादा overwork करता है। एंड सफर्ड अदर इनकन्वीनियंस लाइक शिफ्टिंग टू स्मॉलर हाउस, और अपने लिए असुविधाओं वाली ज़िंदगी जीने लगता है, जैसे कि एक छोटे घर में शिफ्ट होना। देयरफॉर वी कैन से दैट लूजल वाज अ सिंपल हु लव्ड सिंपल मैन हु लव्ड हिज वाइफ। इस तरह से हम कह सकते हैं लूजल एक साधारण व्यक्ति था जो अपनी पत्नी को प्यार किया करता था बहुत। डू यू थिंक इट वॉज अनफॉर्चुनेट फॉर मैथिल टू हैव मैरिड लूजल, वाई? ये क्वेश्चन पूछा गया, आप सोचते हैं कि मैथिल के लिए दुर्भाग्यशाली था लूजल से शादी करना, क्यों? तो ये भी कोई खास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप इसमें आसानी से लिख सकते हैं, पूछा गया है, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं बनाकर कि आप सोचते हैं कि मैथिल का लूजल से शादी करना दुर्भाग्यशाली था और क्यों। तो देखिए इसमें आप लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि नहीं, हम ये नहीं सोचते हैं, नो वी डू नॉट थिंक दैट इट वॉज अनफॉर्चुनेट फॉर मैथिल टू हैव द मैरिड लूजल। इसलिए नहीं था क्योंकि वो तो उसकी परवाह करता था और उसकी देखभाल किया करता था और लविंग हस्बैंड था उसके लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, इन व्हाट वे वॉज मैडम फॉरेस्टर डिफरेंट फ्रॉम मैडम लूजल? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं इस साल के लिए। किस तरीके से मैडम फॉरेस्टर मैडम लूजल से डिफरेंट थी, तो देख लेते हैं इसको। मैडम फॉरेस्टर एंड मैडम लूजल बोथ आर कॉन्ट्रेरी टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। फॉरेस्टर इज रिच एंड हाई प्रोफाइल लेडी, फॉरेस्टर जो है अमीर है, हाई प्रोफाइल लेडी है। शी इज कम्प्लीटली मटेरियलिस्टिक एंड फॉर्मल। वैन मैडम लूजल गोज टू आस्क फॉर ज्वेलरी, जब उसे ज्वेलरी मांगने जाती है तो बड़े सभ्यता से जवाब दी है देती है। शी शोज हर एफ्लेशली पुटिंग अ लार्ज ज्वेल बॉक्स, बड़ा सा ज्वेल बॉक्स उसके सामने रख देती है वो, और बताती है अपना अपनी अमीरी को दिखाती है वहाँ पर वो। शी शोज हर बॉक्स बिफोर हर हैंड एंड शेज चूज माई डियर, और बड़े प्यार से कहती है कि तुम कोई भी ले सकती हो। शी इज़ वेरी मच नॉर्मल विद मैथिल, मैथिल के साथ नॉर्मल है वो। मैथिल टेक्स अ डायमंड नेकलेस फ्रॉम हर फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए डायमंड नेकलेस ले लेती है। विच अनलकीली शी लॉसेस, जिसे वो खो देती है। मैथिल रिप्लेसेस द नेकलेस विद द ग्रेट ट्रबल, बड़ी परेशानी से उसकी कीमत उसको रिप्लेस कर पाती है, उसकी जगह दूसरा ले पाती है उसको वापस करने के लिए। व्हेन शी गोज टू रिटर्न इट मैथिल फॉरेस्टर वेरी र्यूडली सेज, जब उसे वापस करने जाती है तो मैडम फॉरेस्टर उसे बड़े र्यूडली कहती है दैट शी शुड हैव रिटर्न इट सूनर, कि उसे जल्दी वापस कर देना चाहिए। एंड दैट शी माइट हैव नीडेड इट, और कहती है कि उसे इसकी आवश्यकता पड़ सकती थी। टूवर्ड्स द एंड व्हेन मैथिल टेल्स हर माइजरी टू हर शी सिंपली सेज दैट हर नेकलेस वॉज अ पेस्ट, जब वो कहती है अंत में जाकर के उसने कितना दयनीयता कितनी दुर्भाग्य की स्थिति झेलनी पड़ी इस नेकलेस की को रिप्लेस करने में, तब वो मैडम फॉरेस्टर उससे कहती है कि ये तो एक पेस्ट था, मतलब नकली था। ऑन द अदर हैंड मैडम लूजल इज एन ऑनेस्ट लेडी, यहाँ पर दूसरी तरफ देखा जाए तो मैडम लूजल एक ईमानदार महिला थी। शी इज इनफॉर्मल, शी हेजिटेट टू गो टू फॉरेस्टर आफ्टर लूजिंग द नेकलेस, वो नेकलेस खोने के बाद उसके पास जाने में शर्मिंदा थी।
and managed to replace it with the same one which costed her 36,000. उसे वापस करने में जाने में शर्म कर रही थी और जब तक उसे वापस रिप्लेस करने के लिए दूसरा नहीं मिल जाता जो कि 36,000 फ्रेंसेज का था तब तक नहीं जाती. इट रूइन्ड हर लाइफ जिससे उसके जीवन पूरा नष्ट हो जाता है. शी फील्स स्टन्ड व्हेन शी कम्स टू नो दैट द नेकलेस वॉज आर्टिफिशियल. वो आश्चर्यचकित हो जाती है चौंक जाती है ये देख सुनकर कि उसका जो नेकलेस था वो आर्टिफिशियल था. शी इज़ सिंपल एंड हार्ड वर्किंग टू. वो कठिन परिश्रम भी है और साधारण महिला भी है. अगला क्वेश्चन है देख सकते हैं आप यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. व्हाट डू यू थिंक वुड हैव हैपन इफ मैथिल हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस दैट नाइट. क्वेश्चन पूछा है कि आप क्या सोचते हैं क्या होता यदि उस रात नेकलेस नहीं खोया होता. तो ये भी कोई खास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है. ये भी इस वर्ष नहीं आएगा एग्ज़ाम में. तो आज हमने इस चैप्टर में पढ़ा था इस चैप्टर में द डायमंड नेकलेस जिसको जी डी मोस्ट पेशेंट ने लिखा था. इसकी हमने समरी देखी और इसके साथ में हमने इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देखा और इसके साथ में बहुत सारी चीज़ों को देखा डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देखा इसके एक्सट्रैक्ट दे भी देखे और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे सारी चीज़ें देखी.